करके मुझे महसूस होता है कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है, क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पे जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तुड़वाया गया मोदी जी के इशारे पे, और जिस तरीके से मोदी जी के इशारे पे यहाँ पर मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 550 रुपए का फीस लगाया गया है, फाइन लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है, वह इस बात का सबूत है कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पिछले 2-3 रोज से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में एक खबर चल रही है जहां पर मुंबई के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने कुछ ऐसी बयान की हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, गुस्ताखी की उन्होंने, उन्होंने उन इतनी बड़ी शख्सियत को मोदी के साथ जोड़ा। सबसे पहले तो मैं इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं कि ये सरासर गलत बयानी है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और आप होते कौन है। और उससे बड़ी बात यह है, उससे बुरी बात भी ये हो रही है कि इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, उसके बाद ना इनने माफी मांगी ना इनको कुछ इस बात का मलाल है। और ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ सेक्युलर चेहरा ओढ़कर घूमने वाले नेता, वो भी क्यों खामोश बैठे, क्यों कोई बयान नहीं आया उनकी तरफ से, क्यों कोई खंडन नहीं। तो ये गलत नहीं था कि इतनी बड़ी शख्सियत हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह को एक ऐसे शख्स के साथ जोड़ना जिसके विरुद्ध ना पूरा देश खड़ा है। ये दिखाता है आपकी संगी मेंटालिटी, संगी खोपड़ी, के आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ही इंसान हो, उन्हीं की मानसिकता आपके रोम रोम में बसी हुई है। यही मानसिकता कांग्रेस के रोम रोम में, अंग अंग में बसी हुई है। मैं दिखाना चाहता हूं पूरे देश के सामने कि देखो देशवासियों कि किस तरह से कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता ऐसी बयानबाजी करता है, एक समुदाय के पूरे सेंटिमेंट को हट करता है, और इतने पाक मुकद्दस महीने रमजान के अंदर इस तरह की बेबुनियाद बातें करता है, और सारे कांग्रेस के सेक्युलर लीडर्स, मुसलमान लीडर्स खामोश बैठे हैं। यानी मैं समझ लू इस बात को कि आप भी यही समझते हो, आपकी भी यही जुबान है जो निरुपम ने कहा, आपकी भी यही खोपड़ी है, आपकी भी संघ की आइडियोलॉजी है, आप भी चाहते हो हमारे देश को हिंदुत्व बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, यही सारा देश देख रहा है। मैं चाहता हूं कि निरुपम को, संजय निरुपम को आके तमाम देशवासियों के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक इतनी बड़ी शख्सियत का ऐसे इंसान के साथ जोड़ा और ये इंसल्ट किया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को, लिहाजा इनको माफी मांगनी चाहिए। और इनके वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता और लीडर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी आप में गैरत और शर्म बची है, आओ माफी मांगो सबके सामने। मैं इस बात का खंडन करता हूं, जो भी उचित स्टेप होगा हम लेंगे, मगर फिलहाल इनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके